बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो यार फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ प्लेटिनम 4 पे। आपका करंट रैंक एंड टीयर क्या चल रहा है कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो यार सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया सभी लोगों को जिन लोगों ने कल अपने को पॉपुलैरिटी वेजी सी टॉप 100 में अपना रैंक आ गया आप लोगों की वजह से। तो यार कल से अभी मैंने गोल्ड से अपना रैंक को स्टार्ट कर दिया है। तो यार मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत रश खेलने की ट्राई करूंगा, लेकिन यार गोल्ड टीयर पे भी भाई हैकर आ रहे हैं। मतलब यार हाई टीयर पे तो होता ही है भाई, काफ़ी हैकर आते हैं ऐसे क्राउन एस या फिर कॉन्करर पे। जैसे यार कोई बंदा नॉर्मल अपना गेम खेल रहा है लो टीयर पे, रैंक कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन यार वहाँ पे भी हैकर्स आ रहे हैं। तो यार आप खुद ही सोच सकते हो अभी फिलहाल गेम की हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। और यार कई बार आपके मैचेस में लाइव हैकर भी बैन हो रहे होंगे, लेकिन यार वो लोग मतलब परमानेंट बैन नहीं हो रहे, उनको मैक्सिमम 1 या फिर 7 दिन का बैन पड़ रहा है। फिर यार वो लोग अनबैन होने के बाद भी सेम आईडी से भाई हैक लगा के खेलते हैं, मतलब यार क्या ही बोलना है। तो यार जो लोग अभी डायमंड से ऊपर पहुंच चुके हैं तो यार एक ही चीज़ बोलूँगा, जितना हो सके सेफ खेलने का ट्राई करो, किल्स के पीछे ना जाओ, बस यार अपना रैंक के लिए खेलो, तभी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि यार कुछ बोल नहीं सकते कहाँ पे भाई कौन सा बंदा हैकर निकल आएगा। तो यार फिलहाल चल लेते हैं अब आज के अपने पहले गेम प्ले। फिलहाल यहाँ पे उतरा था मैं स्कूल में और अपने साथ एक और बंदा यहाँ पे उतर चुका था। अब यार ये वाला बंदा तो ऊपर साइड पे गई था। फिलहाल यहाँ पे मेरे को उजी प्लस UMP मिल चुकी थी, बाहर की साइड से मेरे को भी फुटस्टेप आते हैं। अब यार ये तो अवार्ड था, लेकिन जो मेन स्कूल की बिल्डिंग थी उसमें अभी भी 2 बंदे थे। फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे को AKM+ कारल मिल गई थी, उतने में नीचे वाली साइड से एक और मेरे को बोट का साउंड आता है। अब यार यहाँ पे जैसे ही मैं बोट को लूटने का ट्राई करता हूँ, यार ये वाला बंदा एकदम अपने ऊपर खड़ा रखा था, लकीली यहाँ पे मैं बच गया। अब यार यहाँ पे क्या होता है कि दोनों बंदे अपने पे पुश करने का ट्राई करते हैं। ये वाले बंदे को काफ़ी डैमेज दिया था, लेकिन अभी सामने वाली साइड से दूसरा बंदा अपना किल उठा लेता है। तो यार फिलहाल के लिए ये वाले बंदे को तो यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो यार ये बंदे भी ग्रेड से थोड़ी बहुत यहाँ पे मैं लूट कर लेता हूँ। अब यार सामने वाले अपार्टमेंट में एक भी को बंदा स्पॉट हुआ था, तो मैं सिंगल पे इसको AKM मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यार वो बंदे पे कार नहीं टीट थी, तो ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लेता हूँ। फिलहाल यहाँ से बगी लेके पुश करने का ट्राई करते हैं। अब यार सामने वाली छत से तो बंदा जा चुका था, फिलहाल मेरे को लगा बंदा अपने पे नेट वेट कर सकता है, तो थोड़ा नीचे वाली साइड पे चल लेता हूँ। अब यार ये बंदा यहाँ से पता नहीं क्या सोच के जंप करता है। फिलहाल यार ये बंदे की क्रेट में अपने को Kar98+8X मिल चुका था, तो यहाँ पे स्कारल की जगह पे Kar98 मैं उठा लेता हूँ। अब यार ये स्क्वाड हाउस वाला बंदा मेरे को पता था बोट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए वो बंदा कोई भी अपनी लोकेशन दे नहीं रहा था। अब यार यहाँ पे जैसे ये वाले बोट को मैं फिनिश करता हूँ, अभी सामने वाली साइड से उस बंदे के मेरे को फुटस्टेप आते हैं। अब यार सामने वाली साइड से मेरे को बंदे के फुटस्टेप आते हैं, लेकिन यार वो बंदा वॉल के बाहर जा चुका था। तो यार यहाँ पे इस बंदे पे काफ़ी मैं नेट वेट ट्राई करता हूँ, लेकिन यार बंदा बच जा रहा था, तो मैंने सोचा अब यार थोड़ा यहाँ बाहर वाली साइड से घूम के बंदे को स्पॉट करने का ट्राई करते हैं।
यार ये बंदा तो यहाँ पे एकदम आराम से खड़ रखा था। तो अभी यार जोन भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था, तो मैं सोचा था भी डायरेक्ट जोन में निकलता हूँ, लेकिन उतने में मेरे को एक और बग्गी का भी साउंड आता है। तो यार ये वाले बंदे को हल्का सा डैमेज पड़ा था, मेरे को लगा नहीं था ये बंदा रुक जाएगा, लेकिन यार ये वाला बंदा ऊपर आके अभी अपने रुक गया था। तो यार ये बंदा मेरे को पता था नेट से अच्छा खासा डैमेज हो ही गया होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे कार 98 की जगह पे M4 में उठा लेता हूँ। यार ये बंदे के पास फ्लेयर गन भी थी। तो अभी यार फिलहाल यहाँ पे जोन में अपने को निकलना था, तो मैंने सोचा अभी जोन में जाके पहले फ्लेयर चला लेता हूँ। अब यार ड्रॉप से अपने को लेवल 3 का वेस्ट मिल गया था और साथ में MG3 और MK3, लेकिन यार मैं नहीं उठाता हूँ। और भाई अपना मैं X-Suit यहाँ पे पता नहीं क्या सोच के गिरा देता हूँ। फिलहाल यार ये वाले कंपाउंड की छत में अभी एक बंदा बैठ रखा था। अब यार यहाँ पर ये बंदे के पास भी MG3, तो मैं डायरेक्ट ऊपर ऐसे जाने का रिस्क ले नहीं रहा था, लेकिन यार उतने में सामने वाली साइड पे मेरे को एक और गाड़ी अभी स्पॉट होती है। अब यार यहाँ पे इस बंदे का मेरे को रिलोड करने का साउंड आता है, वही देख के मैं डायरेक्ट यहाँ पे घुस जाता हूँ। फिलहाल यार यहाँ पे ये बंदे के पास AWM थी, तो AKM की जगह पे AWM मैं उठा लेता हूँ। और यार पहले जो गाड़ी वाले बंदे को फिनिश किया था, ये बंदे के पास भी AWM थी, तो यार लकीली वहाँ पे मैंने इसको स्पॉट कर लिया था, वरना ये बंदा अपने को दिक्कत दे सकता था। अब यार ये बंदे को तो यहाँ पे फिनिश कर दिया, लेकिन ये बंदा किसी और बंदे पे सामने साइड नेड कर रहा था, तो मेरे को लगा भाई सामने अपने कोई बंदा हो सकता है, तो जल्दी से यहाँ पे मैं स्मोक वगैरह कर लेता हूँ। लेकिन अब यार यहाँ पे अपने को गाड़ी तो निकालनी थी जोन में। अब यार ये जो भाई टेस्ला की स्किन है भाई, इसका बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है। अगर यार सामने वाले बंदे का मिनी मैप में ध्यान नहीं है, तो यार उसको भाई पता तक नहीं चलेगा कब उसके मैं कितने क्लोज आ जाऊँगा। तो यार ये दोनों बंदों को तो यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल यहाँ पे लास्ट एक बंदा लाइव था। अब यार लास्ट बंदा सामने वाले शैक पे था, मेरे को लगा था बंदा मे भी अपने को पीक वीक देगा, लेकिन यार ये बंदा पीक वीक दे नहीं रहा था। अब यार यहाँ पे वो बंदा तो जोन के अंदर था, लेकिन मेरे को भी जोन में जाना था, तो मैंने रैंडम अभी सामने के साइड पे नेड किया और मैंने सोचा वाले जोन में निकल लेता हूँ। अब यार इस बंदे के पास भी शायद से बोल्ट एक्शन थी, इसने मेरे को बॉडी शॉट मार दिया था। ये बंदा अपने को AKM से बेट करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यार अपने पास AWM थी, तो बंदा एयरसोर्स से इजी फिनिश हो जाता है। तो अभी यार फिलहाल चल लेते हैं अपने सेकंड गेम प्ले पे। फिलहाल यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करके अपने को मिलिट्री बेस जाना था, तो अपने आगे आगे अभी एक और गाड़ी जा रही थी, तो मैंने सोचा ये गाड़ी के पीछे अभी ब्रिज क्रॉस करने का ट्राई करता हूँ। तो अभी यार वो बंदा तो आगे एक साइड निकल गया, तो अभी यार इतना तो मेरे को पता था यहाँ पे ब्रिज कैंप नहीं है, लेकिन यार जिस टाइम मैं जोन में आ रहा था, तो उस टाइम पीछे वाली साइड से एक बंदे ने शॉर्ट्स लिए थे, तो मेरे को लगा था यहाँ पे मैं ब्रिज कैंप करूँ, तब मे भी अपने को उस बंदे का फिनिश मिल सकता है। फिर थोड़ी देर यहाँ पे ब्रिज पे होल्ड करता हूँ, लेकिन यार कोई भी बंदा उस साइड से नहीं आता। फिलहाल यहाँ पे जोन स्टार्ट हो चुका था, अपने को जोन में भी निकलना था।
अब यार यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो शेख था, अगर आपने सही से नोटिस किया होगा तो वहाँ पे आपको भी बंदा स्पॉट हो गया होगा। तो यार यहाँ पे मेरे को लगा था शायद से वो वाला कंपाउंड अभी जोन के बाहर है, तो मैं थोड़ा राइट साइड से पहले जोन के अंदर आता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए वो वाला कंपाउंड जोन के अंदर ही था। तो यार ये बंदे पे शायद से गाड़ी थी नहीं, एकदम ओपन में यहाँ से आ रहा था। फिलहाल के लिए ये बंदे की क्रेट से थोड़ी बहुत यहाँ पे लूट अपने को मिल जाती है। तो यार यहाँ पे जोन के अंदर मैं आ चुका था। अभी यहाँ पे क्या होता है कि राइट साइड में मेरे को नीचे एक बग्गी स्पॉट होती है, तो मेरे को लगा शायद से बंदा भी वहाँ पर हो सकता है। तो यार इसके बाद वाला जोन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था, तो मैं सीधा डायरेक्ट अभी जोन के सेंटर में ही चलते हैं। यहाँ से अभी मैं गाड़ी लेके निकल ही रहा था, लेकिन उतने में ऊपर वाली साइड से मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं। अब यार ये वाली जगह यहाँ पे जोन के अंदर थी, तो यहीं पे मैं सोचा होल्ड करता हूँ फिलहाल, आसपास अपने मैं चेक कर लेता हूँ कि यार और कोई बंदा लेट ना रखा हो। अब यार यहाँ पे सामने वाली साइड पे एक मेरे को बंदा स्पॉट होता है, लेकिन यार वो बंदा कवर में निकल जाता है। अभी के लिए ये वाला जोन यहाँ पे क्लोजिंग होना स्टार्ट हो चुका था, तो एकदम मैं कॉर्नर चेक कर रहा था कि यार कोई बंदा भाई एज से ना आके मेरे को मार दे। अब यार यहाँ पे क्या होता है कि सामने वाले कंपाउंड्स पे अभी दो बंदों की फाइट होती है, तो यार यहाँ पे अभी टोटल तीन ही बंदे अलाइव रहेंगे। तो एक बंदा तो अभी मेरे को पता था राइट साइड वाले कंपाउंड में कि यार, दूसरा बंदा मेरे को आइडिया था लेफ्ट साइड में कहीं पे हो सकता है। तो यार यहाँ पे इसके बाद वाला जोन थोड़ा आगे वाली साइड को शिफ्ट हो चुका था। तो यार राइट साइड वाला बंदा तो मेरे को पता था भाई जोन में आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड वाला बंदा मेरे को पता था अभी जोन में आने का ट्राई करेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे अपनी को गाड़ी में थोड़ा सही से लगा लेता हूँ, ताकि जोन निकलते टाइम अपने को ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। अब यार यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले बंदे ने भी सामने की साइड पे एक स्मोक वॉल बना ली थी। यार मैं सोच रहा था इस बंदे का पहले वेट करता हूँ, लेकिन यार पीछे साइड से अपना भी अभी जोन आ चुका था, तो अपने को भी जोन में निकलना ही था। अब यार जैसे उस बंदे में मैं शॉर्ट लेने का ट्राई करता हूँ, बंदे ने अपने लिए कवर बना लिया। फिलहाल के लिए दूसरा वाला बंदा अपने सामने वाली साइड पे कहीं था। अब यार यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का बंदा था, अभी राइट साइड वाले बंदे को नेट से फिनिश कर देता है। लेकिन अभी यार यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये थी कि अपनी गाड़ी भी डैमेज हो चुकी थी, और लास्ट वाला जोन भी अभी सामने वाले बंदे की साइड ही बन चुका था। अब यार यहाँ पे नेट तो अपने पास अच्छे खासे थे, लेकिन मेरे को पता था जब मैं गाड़ी लेके जाऊँगा तब मेरे को नेट करने का बिल्कुल भी मौका मिलने वाला नहीं है। तो यार सामने वाला बंदा शॉर्ट्स लेने की भी ट्राई कर रहा था, तो मैंने सोचा अभी सारे यहाँ पे पहले नेट ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद गाड़ी लेके बंदे पे पुश करते हैं। तो यार यहाँ पे मैं गाड़ी लेके बंदे की साइड निकलने ही वाला था, लेकिन उतने में ये बंदा नेट से फिनिश हो जाता है। तो यार ये बंदा यहाँ पे स्मोक वगैरह करके थोड़ा आगे वाली साइड पे आने का ट्राई कर रहा था, मे भी अगर अपने कवर में ले जाता तो भाई शायद से बच जाता। लेकिन यार फिलहाल के लिए ये वाले गेम में अपने को मिल गया 42 का प्लस। तो यार प्लेटिनम 4 तो अभी अपनी हो चुकी है, तो कल का भी मेरा टारगेट रहने वाला है प्लेटिनम 1 या फिर डायमंड 5 का, तो देखते हैं यार कितना हो पाएगा।
बाकी अगर आपको गेम प्ले थोड़े से भी अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और बेल आइकन को जोर से ऑल पे कर लेना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी यार आप लोगों के लिए कल के लिए जो लोग अभी गोल्ड या प्लेटिनम से स्टार्ट कर रहे हैं 400 पॉइंट का टारगेट है, और यार डायमंड वालों के लिए 300 पॉइंट, क्राउन वालों के लिए 200 पॉइंट, और अगर आपकी ये सोच चुकी है तो यार 100 पॉइंट लगाओ फिर आपको इजी कॉन्करर मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी आके मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।